हेलो गुड मॉर्निंग। 5 बजे उठी थी सो के और 5:30 बजे उठी थी लगभग। पूजा पाठ हो गया है और जल्दी से पूजा पाठ की, नहाई वहाई और अन्ना का टिफिन तैयार की हूँ और चाय बनाई हूँ, पानी पी हूँ। हालत हो रही है ख़राब। तो सुबह पानी वगैरह चाय वगैरह पीने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी हो गई ख़राब। पता नहीं कैसा, बिल्कुल लग रहा था कि ताकत ही नहीं है शरीर में। तो फिर मैं लेट गई थी और फिर 8 बजे के लगभग मैं उठी हूँ। तो फिर जो बनाना था पूड़ी वगैरह और जो सब्ज़ी वगैरह, तो फिर मैं उठ के बनाई। तो सब्ज़ी बन के आलू परोर की हो गई रेडी। तो अब चल रही हूँ नाश्ता करने। हेलो गुड इवनिंग। इतनी ज़ोरों से बारिश आई कि सारे कपड़े ले आके अंदर रखने पड़े। तो यहाँ पे पूरी बारिश से पूरा मौसम, पीछे पानी भी भर गया है घर के। और मंडे को भी बारिश हुई थी और ट्यूसडे को भी और वेडनेसडे को भी। तो लगातार 2-3 दिनों से बारिश हो रही है। और अच्छा था कि हम लोग का व्रत बहुत अच्छे से हो गया, मुझे प्यास वगैरह नहीं लगी। यहाँ तक कि सबको नहीं लगी होगी, जहाँ जहाँ बारिश हुई होगी वहाँ सब लोग बहुत अच्छी तरीके से उनका व्रत हो गया होगा पूरा। और ये बगल में इन्होंने सब्ज़ी लगाई है बहुत अच्छे से, इनकी सब्ज़ी ग्रो हो जा रही है क्योंकि बारिश हो रही है लगातार, हर 10 दिन में 15 दिन पे हो ही जा रही है। तो ये शाम का टाइम है और मैं छत पे आ गई हूँ फूल तोड़ने। आज है गणेश चतुर्दशी, तो गणेश भगवान की अच्छे से पूजा सवेरे नहीं कर पाई थी मैं, तो मैंने कहा शाम को ही कर लूँ। तो उनको धूप बहुत पसंद है गणेश भगवान को, तो धूप और फूल वगैरह मैं बस छत पे आ गई थी तोड़ने, तो फटाफट से तोड़ लूँ फिर चलती हूँ नीचे और शाम को करूँगी फिर उनका पूजन। हो गया रेडी, चलो चलो सब लोग। तो भाई साड़ी उड़ी पहन के हम लोग जा रहे हैं अन्नों के लिए कुछ खरीदें, तो चलिए चलते हैं। ये साड़ू मेरे साड़ी मेरे ससुर जी जब चीकू हुए थे तब दिए थे। तो यहाँ पे अन्नो की बर्थडे की चल रही है तैयारी और मैं आ गई हूँ अन्नो के कपड़े खरीदने। तो आप सब भी देख के बताइए कौन से कपड़े अच्छे लग रहे हैं और कौन से मैंने लिए, वो तो आपको बर्थडे के दिन ही पता चलेगा। सात बजले में अभी 10 मिनट कम है और मार्केट से मैं आ गई और इधर बाहर बारिश भी चालू हो गई है। ये देखिए बारिश चालू हो गई है। अब जा रहे हैं आज गणपति बप्पा, आज गणेश चतुर्दशी है तो गणपति बप्पा की पूजा भाई अच्छे से होनी चाहिए। तो शाम को ही मैं फूल वगैरह ले आके रख दी थी और अब जा रही हूँ जल्दी जल्दी पूजा करने। चिकू को भी ऐसा ना पूजा किया जाए, आज गणेश भगवान का वो है जन्मदिन है। जय हो गणपति बप्पा की। अरे तिगू 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 तू नहीं गणपति बप्पा को चपचे पहले। गणेश भगवान को धूप बहुत पसंद है तो वो उनको मैं चढ़ा रही हूँ। अन्ना तुम भी कुछ चढ़ा दो बेटा, आओ ये दुर्बा बचा हुआ तुम्हारे लिए भी, चलो आओ एक दुर्बा तुम भी चढ़ा दो। गणेश भगवान इससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। तो हम लोग पूजा पाठ कर लिए हैं, 7 बज गया और गणपति बप्पा का भैया पूजा हो गया। सबेरे तो नहीं कर पाई थी क्योंकि एकदम चक्कर जैसा मुझे आ रहा था और एकदम मैं कर ही नहीं पाई। और पूजा वगैरह सब की थी लेकिन भगवान को अच्छे से फूल वगैरह कुछ नहीं चढ़ा पाई थी, बस पूजा की थी मैं। इस टाइम फूल उल चढ़ा दी और उनको गणेश भगवान को दूबा बहुत पसंद है तो वो चढ़ा दी, फल फूल चढ़ा दी, चढ़ा दी भगवान जी को। तो पूजा वगैरह करने के बाद इनकी ब्लैक टी मैं लेके आई हूँ और
मैं अपनी दूध वाली चाय बनाऊंगी। सुबह सुबह मोबाइल चालू रहता है भाई। गांव वाला पेड़ा कौन कौन खाएगा? इसमें खुरपा भी है, निकालो। खुरपा भी है, पेड़ा भी है, माय फेवरेट। मेरा पेड़ा कम कर दिया, ये मेरा फेवरेट पेड़ा है। तो यहाँ पे जो मेरा खुरमा और मेरा पेड़ा दोनों फेवरेट है, तो पति देव इसको खा लिए तो मैं उन पर गुस्सा हो रही हूँ। मैंने कहा आप तो मिठाई भी खा सकते हैं जो पड़ी हुई है पहले से, रसगुल्ला वगैरह, आप उसको नहीं खा रहे हैं, ये तो मेरा फेवरेट है, इसको आप मत छूइएगा। तो बस यही चल रही थी मॉर्निंग टाइम में, और बस छोटी सी ब्लॉग है। आई होप आप सबको मेरी छोटी सी ब्लॉग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर जो नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मैं अपने ब्लॉग यहीं पे कर रही हूँ एंडिंग। आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो यार प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ सबको शेयर भी करना पसंद आ रहा हो तो, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर पाएँ। ओके बाय।